कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। शायद ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन गोंडा पुलिस ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। जब बदमाशों ने दिनदहाड़े एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जैसे इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर को मिली, उन्होंने टीम गठित कर अभियुक्तों को यथाशीघ्र गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज के पर्यवेक्षण में नवाबगंज पुलिस ने हत्या के प्रयास की वारदात को अंजाम देने वाले सूरज यादव व राम बहादुर यादव नामक दोनों आरोपियों को महज 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से घटना में उपयोग की जाने वाली पिस्तौल सहित कारतूस को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। हत्या का प्रयास कर युवक को मरणासन्न अवस्था में पहुंचाने वाले गुनहगारों को पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों के पीछे कर दिया है, जिससे आम जनता और पुलिस के बीच विश्वास को बल मिला है। वहीं ऐसी कार्रवाई से जिले में पुलिस की प्रशंसा भी हो रही है। दिनांक 25/12/2022 को जनपद गोंडा के थाना नवाबगंज क्षेत्र में कटी तिराहे पर दो टेम्पो चालकों में सवारी बैठाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर विवाद के दौरान फायरिंग की गई, जिसमें राहुल नाम का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस संबंध में थाना नवाबगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।